नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज की प्रातःकालीन ऊर्जा मां महागौरी की ऊर्जा से ऊर्जायमान है। आज के प्रातःकालीन सूर्य के हर एक किरणों में मां महागौरी का वरदान है। मां महागौरी, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, अत्यंत गौर वर्ण की होने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। आठवें दिन मां की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। मां की आयु 8 वर्ष की मानी जाती है। आठवां अंक ही सार है, मूल है, तत्व है, क्रीम मक्खन है, प्राण आत्मा है, भाव मन है। आठवीं शक्ति के रूप में मां के पूजन अर्चन और वंदन से अभूतपूर्व शांति और सौम्यता प्राप्त होती है। कुंडली का अष्टम भाव पता है आप लोगों को, आयुष का है, आपके गुप्तांगों का है, प्रोडक्टिविटी का है, अन्वेषण का है, शोध का है, पराक्रम का है, चिर निद्रा का है, आत्मिक शांति का है। बहुत कुछ ऐसा जो आपने कभी सुना ही नहीं होगा, वो सब अष्टम भाव है। तो आज मां महागौरी आप सबको प्रसन्न होकर के क्या वरदान देंगी, अगर सुंदर होना है तो आज कार्यक्रम के अंत तक पहुंचिएगा। आप सबको मां महागौरी की कृपा का कुछ पात्र अगर बनना है तो बस समझ लीजिए कि आप लोग पूरी तरह से मां महागौरी तक जुड़ चुके हैं। यह अपने आप के अंदर की शक्ति को पहचानना भी मां महागौरी की कृपा से पाया जा सकता है। बहुतों को एहसास ही नहीं होता कि वो कितने शक्तिशाली हैं। जैसे बजरंगबली को, उनको भी याद दिलाया गया, हालांकि वो श्राप था उनका, क्योंकि वो बहुत हठी और जिद्दी थे। जैसे बजरंगबली चल दिए लांघने के लिए, निकल जाने के लिए सूर्यदेव को ही, तो खैर छेपक था ये। तो मां महागौरी की कृपा को आज दिलाने के लिए आप सबके समक्ष हम कुछ विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो कि आप सबको करना होगा अपने अपने राशियों के अनुसार, और मां महागौरी से एक अद्भुत वरदान पाने की भी विधि का हम उल्लेख करेंगे। जानकारी दो और दे देते हैं। दिनांक 10 और 11 को पुणे में और 12, 13, 14 को मुंबई में मुलाकात कर सकते हैं। वैसे हो सकता है 14 को कुछ मैं व्यक्तिगत कारणों से अपॉइंटमेंट ना लूं, तो 12 लेकिन रहूंगा मुंबई में, 12-13 तो आप लोगों के लिए ही रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और पंचांग की बात करते हैं। आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि सुबह 10:53 तक, तदुपरांत नवमी चंद्रमा धनुराशि में नक्षत्र पूर्वाषाढ़ योग रहेगा अतिगण्य, तदनुसार दिनांक 6 अक्टूबर दिन रविवार। रविवार का राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक, आप लोग को पता है। इस बीच नए और शुभ काम का बिल्कुल त्याग किया जाता है। और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:00 से 4:30 तक। हर एक कार्य आपके बन जाते हैं, शुभता आपके साथ जुड़ जाती है। मेष से लेकर के मीन तक के राशियों के हाल की तरफ रुख करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि आज क्या क्या विशेष आप लोगों के लिए लेकर और हम आए हैं। मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो मुहूर्त तो हम बताएंगे ही बताएंगे, और साथ ही साथ बताएंगे कि आज मां महागौरी को क्या अर्पित करने से राशि अनुसार मां अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। आइए रुख करते हैं मेष राशि की तरफ। शिक्षा क्षेत्र में आज मेष वालों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, जबरदस्ती मन को बांध कर बैठाना पड़ेगा। अचानक कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी और दोपहर के बाद पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। व्यापार लेकिन अच्छा चलेगा। बिजनेस की स्थिति आज जबरदस्त उछाल मारेगी, धन बिखरा दिखेगा। प्राइवेट सेक्टर वालों को किसी बात पर आज बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। आज प्राइवेट सेक्टर वाले वाहन से अपने आप को संभालें, बिजनेस अच्छा चलेगा ओवरऑल मिला के।
प्राइवेट सेक्टर में एक और खास ध्यान देना होगा कि आप उसके साथ अगर बिजनेस करेंगे तो दिक्कत में आएंगे। आज एक जगह आज नुकसान हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर दिन बहुत अच्छा है, कुछ विशेष उपलब्धियां अर्जित करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए आज कई और प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा टफ रहेगा, पति पत्नी के बीच तालमेल कम बैठेगा। आज हर लिहाज से आपको बहुत सकारात्मक महसूस होगा। जब अकेले रहेंगे आत्मचिंतन और अवलोकन का मौका मिलेगा। लव लाइफ ठीक रहेगा, लव लाइफ में स्थिति बहुत सामान्य है, एक दूसरे का साथ आज रहेगा, एक दूसरे को समझने की क्षमता आज विकसित होगी। स्वास्थ्य के मसले पर बैक की प्रॉब्लम आज हो सकती है। उपाय क्या करना है, महागौरी के निमित्त आज माँ को प्रणाम करके सफ़ेद पुष्प को अर्पित कर दीजिएगा माँ के चरणों में। आज क्या नहीं करना है, स्वयं को ओवर स्मार्ट आज नहीं समझना है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 72। वृषभ राशि, कुछ विशेष बातों पर आज शिक्षा से विमुखता रहेगी, व्यापार अच्छा चलेगा। बिजनेस में कुछ बाधाएं थी उनको आज आप दूर कर लेंगे। सरकारी पक्ष से कुछ व्यापार में विशेष लाभ मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति बहुत अच्छी है। नौकरी में आज आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होगा, बॉस बहुत करीब आएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज वाहन सुख की भी संभावना बन रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में दिक्कत हो सकती है। कोई बड़ा काम आपको सौंपा जा सकता है। आज किसी काम के बिगड़ जाने पर मन बड़ा खिन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, पत्नी के साथ विचार सम रहेंगे। आज पति पत्नी के बीच कुछ लेन देन भी रहेगा, परिस्थितियों को पक्ष में करने के प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य अच्छा है जिससे दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, मानसिक शांति रहेगी। कोई बड़ी उपलब्धि आज आपके साथ जुड़ सकती है। स्वास्थ्य के मामले में मन प्रसन्न रहेगा। आज लव लाइफ में भी बाधाओं से बाहर निकलेंगे और हर लिहाज से अपने आप को मजबूत पाएंगे। स्वास्थ्य में आज हर्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, शुगर नियंत्रित रहेगा, मन प्रसन्नता से लवरेज रहेगा। उपाय क्या करना है बता देते हैं। आज कच्चे दूध में केसर मिलाकर के माँ को अर्पित करिएगा, प्रणाम करिएगा, आरती गाइएगा। क्या नहीं करना आज, आज वृषभ राशि वालों को उधार देने से बचना होगा। ब्राउन कलर सुबह 66% का भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, अचानक से विस्मयकारी स्थितियां आ सकती हैं, कुछ गुमसुम से रहेंगे आज, कुछ ब्रेकअप वगैरह की वजह से पढ़ने में मन नहीं लगेगा। व्यापार अच्छा कर लेंगे, व्यापारिक घाटे को आज पूर्ण करने के प्रयास सफल होंगे। कोई मित्र आज आर्थिक मदद करेगा, बिजनेस में साझा आज प्रभावित होगा, मतलब पार्टनरशिप। स्वास्थ्य अच्छा होने से आज प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ विशेष लाभ मिलेगा, यात्रा के संकेत दिखाई देते हैं, धन का लाभ होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में समस्याएं अचानक से सुरसा की तरह मुंह फैला देंगी। आज संतान को लेकर के थोड़े से चिंतित रहेंगे आप, परेशान रहेंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, पति पत्नी तालमेल बैठ जाएगा, आज विवादों से मुक्ति मिलेगी। आज फिर से एक शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। लव लाइफ थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा, आज आरोप प्रत्यारोप खूब चलेंगे एक दूसरे के साथ। डेट पर जाना कैंसिल करें बेहतर रहेगा। आज स्वास्थ्य के लिए मिथुन राशि वालों को बहुत मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, मानसिक अशांति रहेगी, दवाओं पे खर्च बढ़ सकता है। उपाय क्या करना चाहिए, माँ के निमित्त आज कुछ मिष्ठान प्राकृतिक जैसे गाजर आदि का हलवा, ये प्रकृति से प्राप्त चीज़ों का है। वैसे तो प्रकृति सब एक चीज़ देती है, लेकिन जो ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, हरी चीज़ें हैं, कुछ मिष्ठान इस तरह का जैसे कद्दू का पेठा बनता है, ये माँ को आप अर्पित करें मिथुन राशि वाले। और क्या नहीं करना है आज, आज अपने से बड़ों के साथ किसी तरह का बदजुबानी नहीं करना है। हरा रंग शुभ है, 57% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि, मन की चंचलता किताबों से दूरी बनवा रही है। खास तौर पे कर्क राशि की महिलाओं और लड़कियों को आज अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको बहुत साधना पड़ेगा।
मन को बहुत काबू में रखिए। राहु की स्थिति ठीक नहीं है। 12वें कर्क राशि, स्वास्थ्य अच्छा होने से व्यापार में आज समय देंगे आप, व्यापार आज अच्छा चलेगा, रुके धन की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए दिक्कत है, नौकरी में आ जा सकती है, नौकरी में किसी मित्र के द्वारा कुछ विसंगति पैदा की जा सकती है, सावधान रहें। गवर्नमेंट सेक्टर के प्रभाव बहुत अच्छे रहेंगे, राजनीतिक दखल रंग लाएगी, प्रमोशन के चांसेज हैं। दाम्पत्य जीवन, कर्क राशि दिनांक 6 अक्टूबर दिन रविवार बहुत अच्छा नहीं है। पत्नी तिल का ताड़ बना सकती है, पति जो कर्क वाले हैं पति, आज अनावश्यक पुरानी बात से दाम्पत्य जीवन का जायका बिगाड़ देंगे। आज लव लाइफ अच्छा रहेगा, शादी की चर्चा परिजनों से आज की जा सकती है। आपके अंदर के सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को कोई समझ नहीं पाएगा, यही आपके लिए सबसे बड़ा सकारात्मक संदेश रहेगा। कर्क राशि, उपाय क्या करना है, स्वास्थ्य जानते हैं पहले। आज उदर रोग परेशान करेगा, पेट की दिक्कत परेशान करेगी। उपाय के तौर पर कर्क राशि वालों को आज के दिन मां महागौरी के समक्ष अलता रख दीजिएगा, लाल रंग जो महिलाएं माताएं बहनें पांव में लगाती हैं। क्या नहीं करना है, कर्क वालों को अपने इरादे आज किसी से रिवील नहीं करने, बताने नहीं। स्लेटी रंग शुभ है, 60% का भाग्य आपके साथ है। सिंह राशि, मन की शांति बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई में खूब मन लगेगा। किसी बड़ी अनहोनी से जूझ सकते हैं, अचानक कुछ बड़ा प्रभाव आपके साथ कनेक्ट हो सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है। सिंह राशि, स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा, व्यापार प्रभावित होगा, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए शुभत्व मिलेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं, यहां शुभत्व नहीं है, कानाफूसी षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लव लाइफ में आज थोड़ी सी दिक्कतें हैं, ईगो टकरा सकता है। अब आप समझिए, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा इसके आगे। स्वास्थ्य आज आपका प्रभावित होगा, आंखों में और पेट की दिक्कत परेशान कर सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मां महागौरी को आज कच्चा दूध और इलायची अर्पित करें। क्या नहीं करना है, आज ब्लैक कलर अवॉइड करना है। बैंगनी रंग शुभ है, 62% का भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, अचानक स्वास्थ्य कुछ परेशान करेगा, जिसकी वजह से आज पढ़ाई आपकी प्रभावित होगी, शिक्षा क्षेत्र में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। व्यापार लेकिन अच्छा चलेगा, बिजनेस में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सकते हैं। कन्या राशि, प्राइवेट सेक्टर थोड़ी सी मुश्किलें हैं, कुछ बातों को लेकर के अचानक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए थोड़ी सी स्थिति अच्छी है, मानसिक शांति मिलेगी, रुके धन की प्राप्ति होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेज हैं, वाहन सुख मिल सकता है। कन्या राशि, दाम्पत्य जीवन लाभ के अवसर बनेंगे, पति पत्नी समर्पण रहेगा, पुराने विवादों से बाहर निकलेंगे। कन्या राशि दिनांक 6 अक्टूबर दिन रविवार, लव लाइफ प्रभावित हो सकता है, लव लाइफ में कुछ मुश्किलें अचानक से बहुत गंभीर रूप ले सकती हैं। आज कन्या राशि वालों को अपने लव लाइफ को लेकर के बहुत संजीदा होना पड़ेगा। क्या उपाय करना चाहिए, स्वास्थ्य के मामले में पहले बताते हैं। स्वास्थ्य के मसले पर बाई छाती में दर्द आदि हो सकता है, क्या नहीं करना है, कन्या राशि वालों को
आज के दिन बाहरी व्यक्ति पे भरोसा नहीं करना है। बादामी रंग शुभ है, 51% का भाग्य आपके साथ है। क्या करना चाहिए आज? माँ महागौरी के लिए श्रृंगार की सामग्री उनके समक्ष अर्पित करें। तुला राशि वालों को आज थोड़ा सावधान रह करके अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना होगा। मस्तिष्क में कोई और विचार आने के लिए लालायित रहते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा प्रभावित होती है। सावधान कर रहा हूँ आज के दिन के लिए। व्यापार अच्छा चलेगा, व्यापारिक नुकसान की भरपाई होगी। आज व्यापार में रुके धन की भी स्थिति मिलकर के अच्छी हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए वाहन का सुख आज बहुत अच्छे से मिलने वाला है। कोई मित्र अच्छे से मदद भी करेगा, जैसे नौकरी में इंटरव्यू आदि की व्यवस्था कराएगा। कहीं आप अप्लाई करेंगे तो आज वहां से सिलेक्शन का ऑर्डर मिल सकता है। आज गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए वाहन के सुख की प्राप्ति है। जमीन के विवादों से बाहर निकलेंगे। कुछ परिस्थितियाँ आपके पक्ष में अचानक से आएंगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, बाहर घूमने टहलने जा सकते हैं। मूवी शूवी का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आज मानसिक शांति मिलेगी। दाम्पत्य जीवन के बाद लव लाइफ की बात करें तो यहां समस्या कुछ गंभीर है। लव लाइफ बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लव लाइफ को लेकर के आपको बहुत सावधान भी होना है। ब्रेकअप की स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य, आंख, पेट, छाती, सावधान रहे इसके लेकर के भी। उपाय क्या करना है? मां के चरणों में आज सुगंधित पुष्प और एक लौंग रख करके ओम ह्रीं महागौर्यै नमः, छोटा सा मंत्र, महागौरी आपको प्रणाम है, यही भी कहते रहें, आप हिंदी में बोलते रहें। क्या नहीं करना है आज? आज दूसरे के घर का भोजन नहीं करना। गुलाबी रंग शुभ है, 57% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, रुके कार्य बन जाएंगे, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से हर बाधा से बाहर निकलेंगे आप। बिजनेस में कुछ विशेष लाभ हो सकता है, कोई बड़ी योजना पर आज काम हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आज स्थिति बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट सेक्टर में दूसरे को समझ लेना और समझ कर करना भी आज बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। दाम्पत्य जीवन शुभ रहेगा, दाम्पत्य जीवन में आ रही बाधा दूर हो जाएगी, एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो दाम्पत्य जीवन वाले हैं वो थोड़ा सा वहाँ बीच बीच में स्थिति गड़बड़ करेंगे, मतलब आप शादीशुदा हो और गवर्नमेंट सेक्टर में हो तो आज आपके लिए दिक्कत आ सकती है। लव लाइफ अच्छा रहेगा, लव लाइफ में समस्या नहीं आएगी, आज शादी की चर्चा कर सकते हैं। और जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो है ही सब कुछ। स्वास्थ्य के मामले में आज शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और बैक की स्थिति थोड़ी सी फिर गड़बड़ होने जा रही है। एड़ियों में समस्या भी आ सकती है। उपाय क्या करना चाहिए वृश्चिक वालों को आज? माँ कात्यायनी को सोंठ और गुड़ और साथ में लाल पुष्प अर्पित कर दीजिएगा आज, किसी पत्ते पर रखकर। ये प्रकृति की शक्तियाँ हैं, प्रकृति के साथ ही इनको अच्छा लगता है। प्रकृति की जननी है, जननी इनकी प्रकृति है, तो ज़्यादातर प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, शुभ रहेगा, शक्तिशाली रहेगा। क्या उपाय? ये तो हो गया। क्या नहीं करना है आज? आज अति विश्वास नहीं करना है और गुस्सा नहीं करना है। सफ़ेद रंग शुभ, 50% का भाग्य है। धनुराशि, थोड़े से मानसिक रूप से आज परेशान रहेंगे, कुछ दोस्तों से मनमुटाव हो सकता है। धनुराशि की महिलाओं को आज पक्का रोना पड़ेगा जो विद्यार्थिनियाँ हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए बेहतर समय रहेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा, कोई बड़े जगह से ऑफर आ सकता है, व्यापार थोड़ा प्रभावित होगा, धन फंस सकता है और किसी से बहुत उम्मीद करके आज दुखी होना पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर स्थिति बहुत अच्छी है, रुके धन की प्राप्ति होगी, बॉस प्रसन्न रहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी आज। आज स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा रुग्णता के कारण दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे से तनाव की स्थिति आएगी। आज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मामला थोड़ा गंभीर ज्यादा हो सकता है। धनुराशि, क्या उपाय करना चाहिए आज बताएंगे हम। लव लाइफ प्रभावित तो होते होते रह जाएगी, आज ब्रेकअप नहीं होगा, आपके लिए शुभकामनाएं।
स्वास्थ्य, बैक की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम आज हो सकती है, उपाय क्या करना है। माँ महागौरी के समक्ष कुछ पेड़े और हल्दी रख दीजिएगा। क्या नहीं करना आज? आज धनु राशि वालों को किसी के सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना है। पीला रंग शुभ है, 61% का भाग्य है। मकर राशि, रुके कार्य आपके बन जाएंगे, पढ़ाई में खूब मन लगेगा, बाहर जाके भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आज पीजी चेंज कर सकते हैं, आज कोई दोस्त आपके सर से बहुत बड़ा बोझा उतार सकता है, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, व्यापारिक घाटे की भरपाई करने में आज सक्षम रहेंगे। व्यापारियों के लिए आज कुछ बड़े सौगात मिल सकते हैं, कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं, अचानक बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है नौकरी पर आ जाने की। गवर्नमेंट सेक्टर स्मूथ रहेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, साथ बना रहेगा एक दूसरे का, दाम्पत्य जीवन सुचारू ढंग से चलेगा। लव लाइफ प्रभावित करेगा, बड़ी मुश्किलें प्रतीक्षा कर रही हैं, सावधान रहे लव लाइफ। मकर राशि वालों के लिए कुछ बड़ा संकेत बहुत पॉजिटिव मिल रहा है, बड़ा संकेत मिल रहा है। स्वास्थ्य के मामले पर आज पुरानी समस्याओं से मुक्ति के साधन जुटेंगे, दवाओं पे खर्च कम होगा, परिवार पर भी स्थिति सामान्य हो जाएगी। मकर राशि, आज का दिन महागौरी के लिए क्या शुभ होगा? हरी इलायची और एक कॉटन में हल्का सा इत्र लगा करके माँ के समक्ष रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? मकर राशि वालों को अपने इरादे किसी को बताने नहीं है। भूरा रंग शुभ है, 69% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए आपका दिन आज बहुत सकारात्मक है, पढ़ाई में मन लगेगा, रुके कार्य आपके बन जाएंगे, टीचर्स प्रसन्न रहेंगे, लेकिन बिजनेस में थोड़ा सा लोचा दिखाई देता है, जैसे कहीं किसी ने सेंध लगा दिया, आपको कुछ ऑर्डर मिलना था, आपकी बजाय किसी आपके कंपटीटर को मिल गया, तो आज कुछ इस तरह से अकस्मात हाथों से चीजें निवाला जैसे छिन जाएगा, व्यापार आज बहुत अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए मैं जहां तक देख पा रहा हूं स्थितियां बहुत क्लियर हैं, नौकरी अच्छी जाएगी, स्मूथ जाएगी, बॉस प्रसन्न रहेंगे, आज मन अच्छा जाएगा, दोपहर तक थोड़ा सा पेट से दिक्कत हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में समस्याएं दूर हो रही हैं। आज रुपए पैसे का लाभ अच्छा है, यात्रा हो सकती है विभाग की तरफ से, बॉस को आप पर भरोसा होगा। दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन में कुछ स्थितियां गंभीर रूप ले सकती हैं, परेशानी बढ़ सकती है, अलगाव की नौबत आ सकती है, पत्नी मानेगी नहीं, आप मना नहीं पाएंगे, प्रभावित हो रहा है दाम्पत्य जीवन। लव लाइफ बहुत अच्छा है, विघ्न बाधाओं से बाहर निकलेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार जो खास तौर पे कर रहे हैं और अभी लव लाइफ में है, उनके लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा, डेट पे जा सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की तकलीफ आज जैसे नंबर बढ़ सकता है, पेट दोपहर के बाद कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, उपाय क्या करना है आज कुंभ राशि वालों को? अड़हुल का पुष्प माँ को अर्पित करें, ना मिल पाए तो किसी पीपल के पत्ते पर सिंदूर रख दीजिएगा। क्या नहीं करना है आज? आज वाहन उधार नहीं देना है, लाल रंग शुभ है, 67% का भाग्य है। चलते चलते मीन राशि की चर्चा करते हैं और बताएंगे फिर हम वो मुहूर्त जब आपका सब कुछ होने वाला है। मीन राशि वालों को मानसिक प्रसन्नता मिलेगी, रुके कार्य आपके बन जाएंगे, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, आज व्यापार अच्छा चलेगा, बिजनेस में बाधाओं से बाहर निकलेंगे, विदेश से व्यापार आरंभ हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नौकरी में प्रमोशन के चांसेस हैं, धन की स्थिति अच्छी हो रही है, आज चंद्रमा का प्रभाव नक्षत्रीय रूप से आप पर बहुत सकारात्मक पड़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन के चांसेस हैं या मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है,
दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा प्रभावित होगा, पति पत्नी के बीच कुछ वैचारिक विषमता आज कोई क्रिएट कर रहा है, बच्चों को लेकर के भी अचानक परिवर्तन दिखाई देगा, थोड़ा सा नोक झोंक हो सकता है। लव लाइफ अच्छा है, स्वास्थ्य के मामले में आज हर्ट की प्रॉब्लम और हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। भैया उपाय क्या करना है, काले चने का प्रसाद माँ महागौरी को अर्पित करिएगा आज। क्या नहीं करना है आज, आज किसी को अपनी कमाई मत बताइएगा, ब्लैक कलर शुभ है, 62% का भाग्य आपके साथ है। तो 10-11 को आप पुणे में मिल सकते हैं, नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, और 12-13-14 को मुंबई में मिल सकते हैं। आप अपना नाम, शहर का नाम और टेलीफोन नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपके सामने। चलिए आइए जानते हैं आज का भाग्य अक्षर। मेष का अक्षर वृषभ आ, मिथुन धा अक्षर कर्क छोटा ऊ, सिंह दा अक्षर कन्या चा, तुला था अक्षर वृश्चिक छोटा आ, धनु या अक्षर मकर खा, कुंभ ता अक्षर मीन ला, यही आपके शुभ भाग्य अक्षर है। भाग्य अक्षर के बाद एक ऐसी कुंजी मिलती है जो छोटा सा प्रयोग पूरे दिन को इजी करता है। पास में एक हरा पत्ता रख लीजिएगा पूरे दिन के लिए, शाम को कहीं किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा। आइए अब अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं और जानते हैं आज माँ महागौरी से किस समय क्या मांगना श्रेयस्कर होगा। सबसे पहले तो वक्त नोट कर लीजिएगा, रात 9:45 से 10:05 तक मांगना क्या है। ऑब्वियसली अंतर मन के सौंदर्य को मांगिएगा आज, शुभ होगा। कैसे, दाहिने हाथ में कच्चा दूध और छोटी इलायची पीस कर रख लीजिएगा, और ज्योति जो जलाए हैं उसके सामने हाथ ले जाइएगा, जो पीस के रखे हैं ज्योति के सामने, हल्की सी ज्योति की गर्मी हाथों तक आए, जो कच्चा दूध और इलायची पाउडर हथेली में रखा है। लंबी सांस खींचिएगा और माँ से सुंदर अंतर्मन की कामना करिएगा कि हे माँ, हमारे अंतःकरण को सौंदर्यशाली बनाए, हम किसी का अहित ना सोचें। ये मांगिएगा, माँ महागौरी अति सौंदर्यशालिनी है, अंतःकरण से भी और बाह्यकरण से भी। बाहरी सौंदर्य का क्या भरोसा है, अंतर का मांगेंगे तो मिल भी सकता है। चलिए शुक्रिया आप लोगों के इस प्यार के लिए, हंसते रहिएगा। 9 तारीख तक गाजियाबाद मिल सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।